दोस्तों क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर हमारी पृथ्वी से ऑक्सीजन 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के लिए अगर गायब हो जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड तक तो हम यूं ही सांस को रोक सकते हैं तो हमें क्या होगा, लेकिन दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। अगर पृथ्वी से केवल 1 सेकंड के लिए ही ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी में क्या क्या बदलाव होंगे। ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पे मौजूद सभी जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में अगर केवल 1-2 या 5 सेकंड के लिए ही पृथ्वी से ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि पृथ्वी पर कितने भयानक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक एक करके उनके बारे में। नंबर 1, हमारे सेल्स फटने शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन न होने की वजह से आसमान हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखने लगेगा। हमारे आसपास ऑक्सीजन न होने की वजह से हवा का प्रेशर कम होने लगेगा जिसकी वजह से हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा फट जाएगा। ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में कान और बाहर के हवा का प्रेशर को एक समान बनाए रखने में मदद करता है। हमारे सेल्स यानी कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोशिकाओं में केवल हाइड्रोजन ही रहेगा जिसकी वजह से हमारी कोशिकाएं फट जाएगी और उसी वक्त तुरंत हमारी मौत हो जाएगी। नंबर 2, ओजोन लेयर गायब हो जाएगी। ओजोन लेयर के बारे में तो आपको पता ही होगा, यही ओजोन लेयर सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अगर केवल 5 सेकंड के लिए ही पृथ्वी से ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई तो हमारी पृथ्वी की सतह पर मौजूद ओजोन लेयर गायब हो जाएगी, क्योंकि ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन से ही मिलकर बनती है, और ऐसे में ऑक्सीजन खत्म होते ही यह लेयर सबसे पहले गायब हो जाएगी। अगर ओजोन लेयर पृथ्वी से गायब हो गई तो पृथ्वी पर इतनी ज्यादा तेज गर्मी हो जाएगी कि लोगों की त्वचा जलना शुरू हो जाएगी और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, मकान और बिल्डिंग्स गिरने लगेंगी। ऑक्सीजन खत्म होते ही धरती अपनी सतह से 10 से 12 किलोमीटर नीचे खिसक जाएगी जिससे धरती पर मौजूद सीमेंट और कंक्रीट से बनी घर और बिल्डिंग्स टूटने लगेगी। पानी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है, तो पानी में मौजूद ऑक्सीजन भी वाष्प बनकर उड़ने लगेगा जिससे सभी बड़े बड़े समुद्र तेजी से सूखने लगेंगे जिसकी वजह से पानी में मौजूद क्रिएचर्स भी खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, एयरप्लेन्स क्रैश हो जाएंगे। गाड़ी के इंजन फ्यूल को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऑक्सीजन न होने की वजह से सभी गाड़ी अपनी जगह पर रुक जाएंगे और एयरप्लेन्स जो हवा में उड़ रहे हैं वो तेजी से नीचे गिरने लगेंगे और क्रैश हो जाएंगे। दोस्तों ये सभी तो कुछ भी नहीं, अगर धरती से ऑक्सीजन केवल 5 सेकंड के लिए ही खत्म हो जाए तो केवल 5 सेकंड में धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये तो बात हुई ऑक्सीजन के बगैर की पृथ्वी की, लेकिन दोस्तों क्या सच में पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, पृथ्वी से ऑक्सीजन अचानक खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आप सभी को तो पता ही है कि अभी के जो मौजूदा हालात हैं कि पृथ्वी पर इतने ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुके हैं और ऊपर से हम केवल अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और जंगलों को खत्म कर रहे हैं जिसका सीधा असर हमारे ओजोन लेयर पर पड़ रहा है। दोस्तों अगर इसी तरह से चलता रहा तो ऊपर में बताई गई घटनाओं को सच होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।